चलिए फ्रेंड्स, जाली वाले एक और बटरफ्लाई मतलब बुनती को हम स्टार्ट करते हैं। बहुत इजी ट्रिक है। तो मैंने क्या करना है, यहाँ पर आपने ध्यान से देख लेना है, यहाँ पर मैंने एक फंदा ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। अब मैंने यहाँ दो फंदे इस तरह से और इस तरह से, यानी कि अब मेरे यहाँ पर रहने चाहिए 5, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। अगेन वन फंदा ट्रांसफ़र कर दिया, अगेन इस तरह से, ठीक है, इस तरह से, अगेन 1, 2, 3, 4, 5, 5 आ गए ना हमारे। फिर दोबारा से इस तरह से, और यानी कि अंदर मेरी जो है 3 नीडल्स जो है मेरी खाली रहनी चाहिए, ठीक है। कितनी? 3 नीडल्स, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। 1 मैंने इधर को कर दी है, ठीक है, और 1, 2, 3, ठीक है, ये इस तरह से। अगेन यहाँ पर भी देख लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, यहाँ पर आ गया मेरा 5, और ये 5 का कर दिया मैंने ऐसे, ठीक है। और उसके बाद एक मैंने ले लिया है इधर, अगेन 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से और इस तरह से, और 1 सिंगल पिन मेरी इधर से, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, फिर दोबारा से इस तरह से, ठीक है। ये शुरू में इस तरह से रहेगा और फिर इस तरह से। अगेन मैंने क्या करना है, जो मेरे पीछे के वो पीछे ही रहने देने हैं, मैं ठीक है, इस तरह से, इस तरह से 2 पिन का इस्तेमाल करना है। राइट एंड लेफ्ट से फंदों को लैस करते हुए जाना है, ठीक है, इस तरह से, 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 इस तरह से। बहुत अच्छी बुनती बन के आती है ये, इस तरह से, इस तरह से। यानी मेरे पास रह गए, अब टोटल हो गया मेरे पास 5, ठीक। जब भी मैं इसको बनाती हूँ ना, मुझे जो इसकी ट्रिक बहुत अच्छी लगती है, आपने देखना है, ठीक है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह का ये ग्राफ बन गया है। तो मैं आपको बता लेती हूँ, तो क्या करना है, मैंने यहाँ से, यहाँ से मैंने इस तरह से, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, यहाँ यहाँ आ गई हूँ मैं, ठीक है। अब मैंने इस तरह को, ठीक है, इस तरह से, और अगेन मैं फिर लास्ट में आ गई हूँ इस वाले में, इस वाले में, ये मेरा इस तरह का ग्राफ बनेगा। अगेन मैं बता लेती हूँ आपको, सीधे ही मैंने 1, 2, 3, मैंने ये मैंने आपको कहा था, मैं इस तरह से, ठीक है, यहाँ देख लीजिए, इस तरह से, इस तरह से, फिर इसी की सीध में मैंने देख लिया है इस तरह से, जो लास्ट में रहता है ना मेरा, वो मेरा इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। तो मैंने पूरी टोटल रो मैंने ऐसे ही करते हुए जाना है, यानी कि ये 3 मेरे इकट्ठे हो जाएंगे ना, उसके बाद फिर मेरी इस वाली रो की बारी आएगी, 2 की, फिर मेरी 1 की। इस तरह से देख लीजिए ना आप, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है, और फिर मेरी इस तरह से, अगेन इस तरह से दिखता है। आपने इस तरह से खींच लेना, नीचे की साइड को वेट देना है, और फिर आपने इस तरह से करना है, और ये बहुत अच्छा ग्राफ बन के आता है, इस तरह से और इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। याद रखना है, जब इस तरह से आप पूरा ग्राफ चलाओगे ना, तो सेंटर के इस तरह को आपने चेंज कर लेना है, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से, इस तरह से। अब आप पूरी रो को जो है इसी तरह से करते हुए जाएंगे।
ठीक है, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से, ठीक है ना, इस तरह से पूरी रो को कंप्लीट करना है। देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैंने उठाया था ना, तो इस तरह का ग्राफ बनते भी आता है। देखिए इस तरह का ग्राफ बनते भी आता है। सेकंड जैसे मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था, तो यहाँ सेकंड वाला भी सेम वैसे ही होगा अब, ठीक है। तो इसी तरह से लेस करते रहना है हमने, ठीक है। इस तरह से हमने राइट एंड लेफ्ट से लेस करते हुए जाना है। बहुत प्यारी बुनती बन के आती है, ठीक है। और ये जो धागा है ना मेरा, ये मेरा 2 प्लाई का धागा है, और मैंने पता क्या किया है, ऐसे डबल किया है। बहुत बारीक था मेरा, देख लीजिए इस तरह का था, ठीक है। तो मैंने इस तरह से, मेरे पास बचा तो था, तो मैंने इस तरह का कॉम्बिनेशन कर दिया है, ठीक है। अगेन इस तरह से। तो चलिए आप भी बना लीजिए इस पैटर्न को, ब्यूटीफुल बटरफ्लाई पैटर्न को, इस तरह से। हमेशा बुनती हम इस तरह से बनाइएगा कि बनाते हुए इंटरेस्टेड लगे, और इंटरेस्टेड मतलब जो होगा, आपको इंटरेस्ट होगा तभी बुनती हमारी बढ़ते हुए जाती है, और पता ही नहीं लगता कब जैसे हमारा जो है मतलब पेस वगैरह तैयार हो गया है। इस तरह से ये देखिए, काम इस तरह कीजिए कि काम करने में मज़ा ही आ जाए, ठीक है। इस तरह से, इस तरह से। तो चलिए फ्रेंड्स, इस तरह का मिनी ग्राफ तैयार हो गया। चलो मैं आपको शो ऑफ करा लेती हूँ कि ये किस तरह से बना हुआ है। ये देखिए इस तरह का, इस तरह की लुकिंग आई हुई है इसकी, ये देखिए। तो चलिए आप भी बना लीजिए इस तरह के पैटर्न को। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए इस तरह से। अब ये तो मैंने मतलब आपको ये 2 कलर में बताया, मतलब ये धागा जो है मैंने मिक्स करके बनाया हुआ। तो आप अगर सिंगल कलर का बनाओगे ना, तो ये बहुत ही अच्छा बन के आता है। राइट और लेफ्ट की ये जिग जैग पैटर्न वाली है।